नमस्कार दोस्तों, कल शहीद आजम भगत सिंह का जयंती थी और जब जयंती थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी। मैं पंजाब की धरती में घूमा हूं, मैं हरियाणा की धरती में घूमा हूं, मैं उन तमाम सारी जगह गया हूं जहां पर भगत सिंह ने तमाम वो काम किए थे जिन्हें वीरता कही जाती है। उन वीर भगत सिंह की जब जयंती थी तो एक बात मुझे याद आ रही थी जाते वक्त कि उन्होंने जब उन्हें पेश किया गया अदालत में तो उन्होंने अदालत ने कहा आप माफी मांग लो, आपकी हम सजा कुछ कम कर देंगे, आपको फांसी नहीं होगी। तो भगत सिंह ने जो शब्द कहे थे वो शब्द आज याद आते हैं। क्यों आते हैं वो भी बताऊंगा। उन्होंने कहा था हमारे साथ राजनीतिक बंदी जैसा व्यवहार किया जाए और फांसी देने की जगह गोलियों से भून दिया जाए। सोचिए वो लोग होते, वही दूसरी तरफ जो आज वीरता बखान करते हैं नरेंद्र मोदी और न जाने क्या क्या उनके नेता कहते हैं, खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और खुद को ही देश का संरक्षक बताते हैं, तो उनके पुरोधा जिनसे वो विचार लेकर के जिनके विचारों पर वो आगे बढ़ते हैं वो सावरकर क्या बोले थे अदालत में वह भी जानना जरूरी। उन्होंने कहा था हमें छोड़ दिया जाए तो मैं आजीवन क्रांति से किनारा, और फिर वो मुखबिरी करने का काम करने लगे। उसके लिए पेंशन लेते थे नियमित तौर। सोचिए उस समय जितनी कलेक्टर की सैलरी होती थी यानी डीसी डीएम की सैलरी होती थी उससे ज्यादा उनकी पेंशन होती थी। तो उन्होंने क्या किया होगा देश के साथ, कैसे किया होगा आप समझ सकते हैं। बहरहाल यह लड़ाई उस वक्त से चल रही है। भगत सिंह के निधन के बाद में यानी शहीद होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में उन पर शोक प्रस्ताव पारित किया और जो शोक प्रस्ताव पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे और भगत सिंह का पूरा परिवार मंच पर था। तो आप यह समझ सकते हैं कि क्या रिश्ते थे भगत सिंह के कांग्रेस से। वही दूसरी तरफ सावरकर जिसे जब यह वो गांधी जी की हत्या के मामले में आरोपी बना उस वक्त यही संघी यही जनसंघी यही आरएस वाले जो आज भाजपा कहलाते हैं ये सब किनारे थे, डरे हुए थे, कांप रहे थे, हवा निकल रही थी। क्यों? क्योंकि डर लगता है, इतने डरपोक। बहरहाल मैंने इतनी कहानी क्यों सुनाई इसकी वजह बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर जाते हैं और जम्मू कश्मीर में बखान करते हैं कि ये वही दिन है कि 8 साल पहले भारत ने वह सर्जिकल स्ट्राइक की थी और बताते हैं ये न्यू इंडिया है, वह न्यू इंडिया है जो सर्जिकल स्ट्राइक करता है। अब आप समझिए जब वो ये बता रहे थे तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लग रही थी कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। तो जब वो जम्मू में यह बात कह रहे थे तो मुझे वह सैटेलाइट पिक्चर याद आ रही थी जिस सैटेलाइट पिक्चर में आया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने क्या किया था, कौआ मारा था, कौआ। यह सकते हैं यही वजह है कि आज तक सर्जिकल स्ट्राइक में किसको मारा गया, कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, क्या बस्ट किया, एक भी सबूत नहीं। हालांकि आपको एक चीज बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने कभी इसका सबूत नहीं मांगा, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आर्मी पर सवाल नहीं उठाया। सबूत आम आदमी पार्टी ने मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और कहते हैं
ये कांग्रेस वाले सबूत मांग रहे थे तो मैं तो ये कहता हूं यदि आपने किया था तो सबूत दे देते, दिखा देते कि ये तुमने किया। आज चुनाव में आप सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं और सेना के नाम को यूं करके हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बताएं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि भी इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे को मैं जानता हूं। बहरहाल ये मैंने इसलिए बताया, लेकिन इसी के साथ यह भी बताऊंगा, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पीडीपी, कांग्रेस, एनसी ये संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान के लिए खतरा है। तब मुझे आता है कि संविधान के लिए कौन खतरा है यह भी जानना जरूरी है। और ये वही पीडीपी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी 3 साल सरकार चलाती रही जम्मू कश्मीर में। यह वही एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली थी। तो आप इससे समझ सकते हैं जो उनका एनडीए था उसके हिस्सा थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी हिस्सेदार थी, पीडीपी कांग्रेस की हिस्सेदार नहीं थी। कांग्रेस का अलायंस राज्य में या केंद्र में जो भी है वो सदैव रहा है, लेकिन पीडीपी से नहीं रहा, जिसके साथ आपने 3 साल सरकार चलाई। ये पीडीपी है जिसके परिवार के सदस्यों के नाम पर आतंकियों को छोड़कर आने का काम काबुल तक आपके नेताओं ने किया था, आपने किया था, और न जाने क्या क्या है। तो डर इतना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की ही सरकार थी, कैसे आतंकियों को छोड़ा गया था, वो जनता दल सरकार ही थी जिसे भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद समर्थन दे रहे थे, जिसने महबूबा मुफ्ती की बहन को छुड़ाने के लिए खूंखार आतंकी छुड़वाए थे, जिसके बाद में पूरे कश्मीर में कहर, आतंक का कहर बरपा था, उन्हें अपनी जान पर खेल करके, और खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं उनके भाई की शहादत हुई थी उन्हें गिरफ्तार करने में। तो यह आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झूठ बोला जाता है, अपने को बहादुर बताया जाता है जो कायरों की तरह रहे, जो माफी वीर हैं। चलिए इन माफी वीरों की देखें, फिर उसके बाद में गांधी परिवार पर चर्चा करते हैं। 45 मिनट के भाषण में 20 मिनट गांधी परिवार पर जाया कर देते हैं और बाकी में कहानियां सुना देते हैं। क्या किया है 10 साल में और क्या करेंगे यह नहीं बता पाते, तो यह स्थिति है। इसी तरीके से हरियाणा में जाते हैं, वहां रैली करते हैं, वहां यह नहीं बता पाते कि 10 साल में इनकी सरकारों ने क्या किया है। तो वहां कभी दामाद जी की बात करते हैं, कभी गांधी परिवार की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, लेकिन आज तक एक सुई भर भी सबूत गांधी परिवार के खिलाफ अदालत में पेश नहीं कर पाए। आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, किसी के भी खिलाफ एक भी सबूत अदालत में नहीं पेश कर पाए। हर केस में अंत में यही कहा गया है कि नहीं, कुछ नहीं। तो आप इससे समझिए, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में आप गूगल कर लेंगे तो आ जाएगा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में खुद एफिडेविट दाखिल किया था पंजाब हरियाणा, जो हरियाणा की सरकार ने, कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं। यानी आप समझिए, इतना सब कुछ करके सिर्फ बदनाम किया। तो अब जब कुछ नहीं मिलता है तो राहुल गांधी की नागरिकता, राहुल गांधी का ये वो सब बताते हैं। बहरहाल किसने सुनते रहिए, उसमें कुछ नहीं जाता। लेकिन वही इनकी जगह, जब गांधी परिवार की प्रियंका गांधी जाती हैं जम्मू, तो वो बात करती हैं कि क्या आपकी दशा है, क्या आपकी समस्या है, उसका समाधान कैसे होगा, हम क्या करेंगे और हम क्या करना चाहते हैं। वह यह नहीं कहती कि नरेंद्र मोदी या कोई भी भाजपा का परिवार क्या करता है क्या नहीं करता है।
तो यह अपने आप में दिखाता है कि क्या बड़ापन। प्रियंका गांधी एक एक वह बात बताती जो उनसे जुड़ी हुई, जो उनका दर्द है, जो उनसे साझा होता है। आपको क्या चाहिए उस पर बात होती है। आपके सेब बचने चाहिए, आपके उद्योग बचने चाहिए, आपके छोटे छोटे कल कारखाने बचने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए और आपको सरकार मिलनी चाहिए। वह सरकार जो आपके हक मारे नहीं बल्कि आपको हक दे। तो यह प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, आरएसएस का परिवार है और गांधी परिवार है, उसका अंतर यह बेसिक अंतर कि एक देने की बात करता है, एक छीनने की बात करता है, एक हमला करने की बात करता है, एक मोहब्बत की बात करता है। यह अंतर दिखाई देता है। बहरहाल जब यह सब कुछ हो रहा हो तब चर्चा करना बनता है कि आखिर देश में दशा क्या हो रही है। तो इस दशा पे आप बात करें। दशा यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक चीज कही। एक बाबा जो गाजियाबाद में चलाता था, महंत बना हुआ घूमराग, वो किस तरीके से जो है महिलाएं जो गंगा घाट पे आती थी उनके नंग वीडियो बनाता था और सब कुछ करता था। तो ये गाजियाबाद का मामला है, मुकेश गिरी नाम का महंत है, वो लगातार ये बनाता था और बना करके उनको एक्सप्लॉइट करता था, उनके पोर्न वीडियो चलाता था। ये आज इनके भगवाधारी कर रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार सब लग गए। जब सब लग गए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस डी चौहान ने, देवेंद्र चौहान ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी जांच प्रमुख सचिव स्तर के अफसर से कराई जाए और वो रिपोर्ट, और वो सीलबंद रिपोर्ट है। तो प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक जांच रिपोर्ट सौंपी और वह जांच रिपोर्ट जब अदालत में खुली तो सारे कुकर्म सामने आ गए, उसके सबूत सामने आ गए। क्या क्या उस बाबा के मोबाइल से बरामद हुआ वह सुन लेंगे तो हिंदू धर्म पे आपको शर्म आएगी। ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को शर्मित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। तो आप इससे समझिए। तो जब यह रिपोर्ट आ जाती है तो अदालत पूछती है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मिस्टर एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा अभियोजन और पुलिस ने यह कुकर्म किया है, ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हैं जो हफ्सी है, लेकिन साहब पूछेगा कौन। तो उस तरह गांधी परिवार पे सवाल उठाने वाला एक बाबा पकड़ा जाता है तीन तीन महिलाओं के साथ में नग्न अवस्था में। कहीं चर्चा हो रही है क्या? क्या चर्चा हो रही है कि कैसे हिंदू धर्म को नाश मारा जा रहा था? सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी, मछली का तेल सब मिला करके जो लड्डू बन रहे थे और वो लड्डू हमारे पेट में जा रहे थे। तिरुपति बालाजी, तिरुपति, तिरुमला, वेंकटेश्वरा, क्या स्थिति है? और जब जगन कहते हैं मैं वहां जा रहा हूं और जा करके आपको बताऊंगा, तो उनकी यात्रा को रोक दिया जाता है, कहा जाता है आप नहीं जा सकते हैं, आप हिंदू नहीं हैं। तो हिंदू धर्म, हिंदू कौन सा आपका धर्म है, यह पूछने का काम शुरू हो गया है। यह स्थिति है इस देश में। इतने साल वो मुख्यमंत्री रहा तब नहीं पूछा, उसके पिता मुख्यमंत्री रहे नहीं पूछा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कौन सा चंद्रबाबू नायडू खेल कर रहे हैं। यह भाजपाई चेहरा होता है, भाजपा के साथ आने का यह असर होता है। बहरहाल यह स्थिति होती है, उस पर आप बात नहीं करेंगे। इस पर बात नहीं करेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से चार लड़कियां और उसके पिता ने आत्महत्या का कारण
कि आज परिवार बुराड़ी बुराड़ी में यह घटना हुई और जहां यह घटना होती दुखद स्थिति है जो सामने आया है। आत्महत्या करने के मामले में जो चीजें आ रही हैं वो अपने आप में शर्मसार करती हैं कि आज हमने क्या बना दिया है हिंदुस्तान कि ना बच्चियां सुरक्षित हैं ना पिता सुरक्षित है। पिता अपने बच्चों को जिन्हें पाल के बड़ा करता है उन्हें मार के मर जाता है, सब अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं एक साथ। हमें कोई चिंता नहीं, हमें चिंता नहीं होती जब हाथरस में एक दो साल के बच्चे को, दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को, किस तरह से स्कूल का संचालक जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है वह हत्या कर देता है। क्या बलि चढ़ा दी? क्यों चढ़ा दी? क्योंकि हमारा नाम होगा, हमारा रोशन होगा, हमारा धंधा अच्छा चलेगा। तो यह स्थिति है, यह है आपने भारत बनाया, यह भारत बनाया है कि 10 साल के नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो कहते हैं हम इतनी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, हम इतना बड़ा वो करते थे, वो नरेंद्र मोदी के समय में जम्मू कश्मीर में अकेले 683 आतंकी हमले हुए हैं, एक दो नहीं 683 आतंकी हमले। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस समय भी कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ है और मुठभेड़ चल रही। अब आप समझ सकते हैं कि किस दशा में लाके देश को खड़ा कर दिया। जब यह दशा हमारे 260 जवान अफसर मारे गए, पुलिस के लोग मारे गए हैं दर्जनों, उसके अलावा दर्जनों अर्धसैनिक बल के लोग मारे गए हैं, और हमें आपको याद होगा कैसे पुलवामा में 40 वो मारे गए थे, उसके अलावा दो अन्य 42 लोग, और इसके बाद वहां 225 से अधिक नागरिक मारे गए। अब आप बताइए कौन सा सुरक्षित जम्मू कश्मीर बनाया है आप, किसके लिए बनाया है? 4 गुना सेना, 4 गुना अर्धसैनिक बल, 4 गुना स्थिति कर दिए, अफसरों और सबकी फौज लगा दिए, इसके बावजूद यह हालत है। तो आप सोचिए कांग्रेस के समय की आप तुलना करते हैं, तुलना कर लीजिए, इसके आधे भी नहीं हुए थे, चौथाई भी नहीं हुए थे। तो यह है आपको जानने की जरूरत, यह जानने की जरूरत है कि कैसे देश को बिगाड़ा है, बर्बाद किया। लेकिन कांग्रेस बनाने की बात करती है, वो कश्मीर को स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती है, वो शिक्षा जो आपने बर्बाद की है उस शिक्षा को सुधारना चाहती है, वो जो 4000 से अधिक स्कूल आपने बंद किए, करीब 5000 कह दीजिए राउंड फिगर जम्मू कश्मीर में, उनको फिर से कैसे करके और आगे और एक्सटेंशन क्या प्लान है? इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं जो बर्बाद हुई हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए, स्वास्थ्य शिक्षा को सुधारा जाए, अदर्स सुधारा जाए, रोजगार को सुधारा जाए, जो आपने बेरोजगारी में ढकेल दिया है, 65% पद खाली पड़े हुए हैं वो आके जम्मू कश्मीर सरकार के, और उसके अलावा बेरोजगारी में वो हिंदुस्तान में नंबर 2 पर, यह आपने किया है। यह किया है कि वहां के लोगों के हक मारे हैं, उन्हें बर्बाद किया है, वहां के रोजगार बंद हो गए हैं, वहां पर 48% एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया है, सेब का व्यापार हो दूसरे और व्यापारों सारे व्यापार खत्म हो गए, बागवानी बर्बाद। क्यों? अडानी अंबानी को देना है तो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। तभी राहुल गांधी ने वहां के लिए विस्तृत योजना बनाई कि कैसे उसका विकास हो, इस पर बात की जाती। यह कांग्रेस, यही कांग्रेस हरियाणा में करती है। हरियाणा में उसने विस्तृत अपना घोषणा पत्र जारी किया और जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें स्वास्थ्य को लेकर के वही स्कीम जो राजस्थान में होती थी, 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य की मुफ्त इलाज कहीं कराइए वह व्यवस्था की। यही नहीं, सस्ती शिक्षा की बात की, जो आपने 48,000 रुपए फीस पड़ती थी मेडिकल कॉलेज की, वो फीस आपने 40 लाख कर दी, 40 लाख
बनाया एक भी मेडिकल कॉलेज। तो कांग्रेस कहती है कि नहीं, सस्ती शिक्षा देंगे, महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो बनाएंगे, और इसके अलावा किसानों के लिए किसान आयोग का गठन होगा, और महिलाओं छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए पिंक मिनी बस सर्विस शुरू होगी, ई रिक्शा शुरू होंगे, जिससे वो स्कूल जा सके और उनको सुविधा मिल सके। किसानों के जो जिन्होंने जान गंवाई है आंदोलन में, उनको शहीदों का दर्जा देंगे और सिंधु बॉर्डर पर स्मारक बनाएंगे। और इसके अलावा 2 लाख सरकारी नौकरियों की बात है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेंगे और उसकी जगह पे पक्की नौकरी की व्यवस्था करेंगे। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, पूरे वर्ष का, पूरे एक साल का कैलेंडर जारी हुआ करेगा, जो भर्ती कैलेंडर, नौकरी का जो कैलेंडर वो जारी होगा, उसके मुताबिक काम होगा। हरियाणा में विदेशी रोजगार बोर्ड का गठन होगा, जिससे आपको विदेशों में रोजगार दिलाया जा सके। और इसी तरह जैसे हिमाचल सरकार की तर्ज पर 18 से 60 साल की महिलाओं के लिए 2000 रुपए, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी राज्य में, और खराब फसल पर तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि ये सारी बातें राहुल गांधी अपनी रैली में, पहली रैली में हरियाणा में कह चुके थे। तो जो राहुल गांधी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी ने उसका लिखित वायदा जारी कर दिया। तो आप समझ लीजिए, यह अंतर है। वह न्याय देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी अन्याय करने की बात कर रहे हैं, छीनने की बात। तो अब आपको फैसला खुद करना है कि किसके साथ खड़ा होना है, उनके साथ जो ढोंग करके रेप कर रहे हैं, या उनके साथ जो सच में आपके साथ। जय हिंद।